हेलो फ्रेंड्स, रेस टू हेल्प में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। यहाँ पे कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो किस साइड से जाना है, कौन से गेट से जाना है और कहाँ से जाना है। तो मैं आपको बता दूँ, ये इलाहाबाद स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है। अभी ये जो मैं आपको गेट दिखा रहा हूँ, ये सिविल लाइन्स का गेट है। तो अगर आप यहाँ से एंटर करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए आपके यहाँ पे फुट ब्रिज नंबर 1 लेफ्ट साइड में है, फुट ओवर ब्रिज नंबर 2 ऊपर है, फुट ब्रिज 3 प्लेटफॉर्म 6 राइट साइड में है। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाना है, तो अगर आप सिविल लाइन से एंटर किए हैं तो आपको यहीं से बाहर से ही राइट टर्न ले लेना है, क्योंकि अभी मुझे वंदे भारत पकड़नी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। तो मैं 6 नंबर से एंटर करूँगा और वहीं से फिर आपको पूरा फुल स्टेशन के बारे में बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तो चलिए हम नंबर 6 की साइड में चलते हैं। जैसे हम राइट टर्न लेंगे वहाँ से, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। कोई आपको 100-200 मीटर आगे चलना पड़ेगा राइट साइड में। तो वहाँ जैसे ही आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ये आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 दिखेगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो है, अगर आपको यहाँ पे आना है तो ये बिल्कुल अलग है। ये आप अंदर के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे आप। अगर आप नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे हैं तो कहाँ से आना है वो मैं आपको दिखा दूँगा 6 नंबर पे आने के लिए। जैसे आप अभी ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है और प्लेटफॉर्म नंबर 6 में एंटर करते ही ये आपको राइट साइड में ये फुट ओवर ब्रिज मिलेगा, ये पुल मिलेगा। आप इस पुल पर चढ़ जाइए। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, यहाँ से हम अभी इस पुल पर चढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं इस पुल के ऊपर चढ़ूँगा तो ये देखिए, इसमें आगे बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पे लिखा है पैदल पुल संख्या 5। अगर आप इसके आगे राइट साइड से जाएंगे तो यहाँ से आप जा सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आप इस पुल से जा सकते हैं। और अगर आपको 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आना है तो आप 1 से लेके 5 नंबर प्लेटफॉर्म तक ही उस पे से ब्रिज ओवर चढ़ के इस ब्रिज से आके 6 नंबर पे आ सकते हैं। तो चलिए हम इस ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। तो ये देखिए, ये है 6 नंबर प्लेटफॉर्म जहाँ से हम ऊपर की तरफ आए हैं। ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये राइट साइड में है। ये देखिए, ये है 6 नंबर प्लेटफॉर्म, यहाँ से हम ऊपर की तरफ आए हैं। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं 1 नंबर की तरफ। जैसे हम आगे जाएंगे तो ये देखिए, लेफ्ट साइड में हमें ये पैदल पुल संख्या मिलेगी 1, 2 और 3 और 4 और 5 प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। अगर आपको 4 नंबर या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। यहाँ पे टोटल कुल मिला के 10 प्लेटफॉर्म हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो यहाँ से राइट साइड में जा सकते हैं। आपको अगर 6 नंबर से आगे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप आगे से जा सकते हैं, आपको दूसरा पुल पकड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि ये 6 नंबर पुल के लिए आता था, अभी ये देखिए यहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो चलिए हम अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और वहाँ से मैं आपको फुल रेलवे स्टेशन की डिस्क्रिप्शन बताऊँगा। 6 नंबर प्लेटफॉर्म यहाँ पे सबसे अलग है। जैसे आप इस फुट ओवर ब्रिज से नीचे आ रहे हैं हम 6 नंबर वाले से, तो ये देखिए उतरते ही आपको यहाँ पे पार्सल ऑफिस मिलेगा। अगर आपको कहीं सामान भेजना है अपना बाई रेल, अगर सामान बुक करके भेजना है तो यहाँ से पार्सल ऑफिस से आपको सामान बुक करना पड़ेगा और फिर वो आपको नेक्स्ट स्टेशन पे, यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन स्टेशन होगा, डेस्टिनेशन स्टेशन वहाँ पे पहुँचेगा। तो ये देखिए, ये है नंबर 1 प्लेटफॉर्म। तो चलो अब मैं आपको इसके बारे में सब बताता हूँ। जैसे हम नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे आगे की तरफ बढ़ेंगे इस पुल से नीचे आके, तो राइट साइड में आपको मिलेगा GRP स्टेशन। ये है इसका RPF का पुलिस स्टेशन है। अगर आपको कोई कंप्लेंट है किसी से, जहाँ कुछ आपको पुलिस की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये आपको वेटिंग हॉल मिलेगा, AC क्लास का वेटिंग हॉल है। आप यहाँ पे वेटिंग हॉल में रेस्ट कर सकते हैं अगर आपका AC टिकट है। तो इससे थोड़ा सा साथ में ही आपको आगे में MCO मिलेगा, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। अगर आपको आर्मी रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आपको डिफेंस में है तो आपको यहाँ पर रुकना है तो आप ये रहा MCO। अगर आप MCO ढूंढ रहे हैं तो ये है मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, जो कि डिफेंस सर्विसेज के लिए रहता है। तो अभी हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, ये सारा जो मैं दिखा रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। जैसे आप थोड़ा और आगे आएंगे तो राइट साइड में ये आपको एग्जिट मिलेगा। ये देखिए निकास, ये जो एग्जिट है ये मेन सिटी की साइड में है, इलाहाबाद सिटी की साइड में। जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म का एग्जिट है ये आपको सिटी साइड में है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो ये नीलम फूड सेंटर मिलेगा आपको, ये IRCTC का है। ये इलाहाबाद में सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट है, आपको इसमें फास्ट फूड मिलेगा, जूस मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे, खाना मिलेगा, सब आपको मिलेगा यहाँ पे। पैकिंग भी मिलेगा और आप बैठ के भी खा सकते हैं। तो ये नीलम फूड सेंटर जो है बहुत बढ़िया है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है और ये मैं आपको लोकेशन भी दिखा दी है। तो इससे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ के हमें ये RK फूड प्रोडक्शन जो है ये भी एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे भी आप अपना खाना खा सकते हैं। तो इससे थोड़ा और आगे चलेंगे, यहाँ का बेसिकली नीलम जो रेस्टोरेंट है IRCTC का, ये फेमस है।
थोड़ा सा आगे ही आपको ये सीढ़ियों फ्लाईओवर ब्रिज मिलेगा। इस ब्रिज के साइड में देखिए आप, वो सामने जो दिख रहा है वो एक्चुअली एस्केलेटर है। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो आप उस एस्केलेटर से जा सकते हैं। ये एस्केलेटर भी आपको दिखा दिया मैंने सर्किल करके, तो आप इससे भी जा सकते हैं ऊपर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के दिखा दूँ कि ये पुल कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर जाता है। तो जैसे आप इसके ऊपर चढ़ेंगे तो ये देखिए आपको दिखा रहा है ऊपर में 2, 3, 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आप इस पुल को फॉलो कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे 10 टोटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस पुल से आप सिर्फ 2, 3, 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। इसके राइट साइड में है एग्ज़िट सिटी साइड के लिए और लेफ्ट साइड में है एग्ज़िट सिविल लाइन्स गेट के लिए। तो चलिए हम इस पुल से नीचे आके थोड़ा और आगे चलते हैं। तो जैसे हम इस पुल से नीचे आके थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमें सामने एक और ये फुट ओवर ब्रिज मिलेगा। ये देखिए इस फुट ओवर ब्रिज के साइड में भी एक एस्केलेटर मशीन लगी हुई है। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, जबारी है, आप इसके ऊपर से नहीं जा सकते फुट ओवर ब्रिज से, तो आप साइड से एस्केलेटर के थ्रू अपने सामान के साथ में जा सकते हैं, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। ये देखिए, तो अभी हम इसके ऊपर अगर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10 नंबर प्लेटफॉर्म आपको इस पुल से मिलेंगे। और राइट साइड में निकास है सिटी की साइड में और लेफ्ट साइड में है सिविल लाइन्स की ओर की साइड में एग्जिट। तो आप इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म नहीं लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि अगर आपको 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो ये सबसे अलग बना हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था पूरा इलाहाबाद स्टेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको ये बता दूं कि इलाहाबाद स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, यहाँ का जितने भी हैं आप इसको एक बार वीडियो को और अच्छे से देखिए तो आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और 10 प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आप किसी एक से ही सीधे 10 प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए अगर आप इलाहाबाद स्टेशन में जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।